हेलो प्यारे बच्चों, मैं वर्षा स्वागत करती हूँ आपका विजय कुमार माई न्यू क्लासरूम में। हम चैप्टर 2 कर रहे हैं, एक्सरसाइज 2.4 कर रहे हैं। आपको मैथ के क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 का थर्ड क्वेश्चन। इससे पहले वाले क्वेश्चन के सॉल्यूशन एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 और फर्स्ट चैप्टर के जो सॉल्यूशन हैं आपको वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना। चलिए करते हैं 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3। क्या क्वेश्चन है? इफ द जीरोज़ ऑफ पॉलीनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्या जीरोज़ गिवन है? a माइनस बी, a एंड a प्लस बी, और हमने फाइंड आउट करनी है a और b की वैल्यूज। अब हमें ये ज़ीरोस गिवन है क्यूबिक इक्वेशन के, तो हमें पता है कि सम ऑफ ज़ीरोस क्या है? माइनस कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय कोफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब है, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस भी पता है हमें, कांस्टेंट टर्म बाय माइनस कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब है। चलिए हम करते हैं, पहले हम निकालेंगे सम ऑफ ज़ीरोस। सम ऑफ़ ज़ीरोस क्या होता है? माइनस कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय कोफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब, इनका सम निकालें। यानी a प्लस a माइनस बी प्लस a प्लस a प्लस बी, तीनों का सम निकाला माइनस कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा है? माइनस थ्री। माइनस थ्री बाय कोफिशेंट ऑफ एक्स क्या है? 1। तो क्या आया हमारे पास? इसको ओपन करने पर a माइनस बी प्लस a प्लस a प्लस बी, बी कैंसिल हो गया और यहाँ आया माइनस माइनस प्लस 3। मीन्स 3a इज इक्वल टू 3 है, तो a की वैल्यू क्या आई हमारे पास? 1 आ गई। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया? a इज इक्वल टू 1, एक वैल्यू हमारे पास आ गई। अब एक हमने बी भी निकालना है, और अगर हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालते हैं क्या आता है हमारे पास? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज माइनस कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब। तो इनका प्रोडक्ट निकाले अगर हम, क्या आएगा? ए माइनस बी इंटू ए इंटू ए प्लस बी। माइनस कांस्टेंट टर्म क्या है? 1 बाय कोफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है? 1। अब अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, इस पर हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा इंटू a इज इक्वल टू माइनस 1। अब a की वैल्यू भी है हमारे पास 1, पुट कर देते हैं 1 इंटू 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। तो क्या आता है हमारा सॉल्यूशन? 1 इंटू एनी टर्म इज 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। यानी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, 1 को उधर शिफ्ट करेंगे माइनस 1। तो माइनस बी स्क्वायर क्या आया? माइनस 2। माइनस गेट कैंसल, b विल बी प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो ये हमारा b की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू क्या आई? 1, और b की प्लस माइनस रूट 2। तो आंसर क्या आया? a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। चलिए सम अप करते हैं। पॉलीनोमियल गिवन थी एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और जीरोस गिवन थे a माइनस बी, a एंड a प्लस बी। ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। सम ऑफ ज़ीरोस क्या होता है? माइनस कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय कोफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब, इनका सम निकाला हमने। ऐड करने पर बी कैंसिल हुआ, और कोफिशेंट एक्स स्क्वायर का क्या था? माइनस 3, और एक्स क्यूब का क्या था? 1। तो माइनस माइनस प्लस 3 बाय 1 3 आ गया। यानी 3 ए क्या है? 3 के बराबर, तो ए क्या आया हमारा? 1। ए की वैल्यू सॉल्व हो गई। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस करते हैं, क्या आता है? माइनस कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब। इन तीनों का प्रोडक्ट निकाला यानी मल्टीप्लाई किया।
जब a माइनस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर आता है इनटू a. a की वैल्यू हमारे पास 1 आ चुकी है, a की जगह हमने 1 रख दिया और कांस्टेंट टर्म क्या है 1 और x क्यूब का कोफिशियंट क्या है 1, यानी माइनस 1 बाय 1 ये माइनस 1 आ गया. आगे इसका सॉल्यूशन किया हमने, 1 का स्क्वेयर 1, बी माइनस बी स्क्वेयर माइनस 1, तो 1 को उधर शिफ्ट करेंगे ये भी माइनस हो जाएगा, यानी माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 हो गया, माइनस बी स्क्वेयर माइनस 2 था तो माइनस गेट कैंसिल एंड बी की वैल्यू क्या आई प्लस माइनस 2 2. क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, अगर कोई डाउट है क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें. अगले वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन 4 के साथ. थैंक यू.